नीतीश और बदोनी की हुई लड़ाई, राणा जी को शर्म क्यों नहीं आई, 6 साल छोटे से क्यों करने लगे मैदान पर हाथापाई। तो अगर आपका नाम नीतीश राणा है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको शर्म आनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि आपका परफॉर्मेंस, आपका प्रदर्शन तो है 0, लेकिन मैदान पर गंदी हरकतों के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए आप हैं सबसे बड़े हीरो। मैदान पर जब आते हैं तो बल्ले गेंद से कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरी टीम के खिलाड़ियों से अक्सर झगड़ते हुए नजर आते हैं। क्या मामला हुआ, क्यों हम नीतीश राणा के बारे में आज बात करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। मुकाबला खेला गया दिल्ली और यूपी के बीच शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। इस मुकाबले को दिल्ली ने आसानी से जीत लिया, लेकिन इस मैच को दिल्ली की जीत के लिए नहीं, नीतीश राणा की बदतमीजी के लिए, गुंडागर्दी के लिए ज़्यादा जाना जाएगा। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर हमें आयुष बडोनी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सामने जो गेंदबाज हैं उनका नाम है नीतीश राणा। वो नीतीश राणा जिन्हें दिल्ली से निकाल दिया गया, दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाए, यूपी में शरण मिली और अब दिल्ली के खिलाड़ियों से लड़ रहे हैं। तो भाई ये गेंद करते हैं, आयुष बडोनी शॉट खेलते हैं, और जो शॉट था मेरे हिसाब से मिड विकेट की तरफ ये शॉट गया था। उसके बाद आयुष बडोनी सिंगल लेने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ दौड़ते हैं, और वहाँ पे खड़े हुए नीतीश राणा गेंद को नहीं, वो आयुष बडोनी को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि आयुष बडोनी इस तरफ आ रहे हैं तो वो इस तरफ हो जाते हैं, यानी कि पूरी कोशिश नीतीश राणा की ये थी कि किसी तरह से आयुष बडोनी से उलझा जाए। तो जब बडोनी इस तरफ से आ रहे होते वो इधर हो जाते हैं। उसके बाद बडोनी देख लेते हैं कि भाई ये नीतीश राणा कोई बदतमीजी करने वाला है, तो बडोनी अपना रास्ता बदल के इस तरफ हो जाते हैं, और उसी समय नीतीश राणा भी क्या करते हैं, इधर की जगह तुरंत इधर आ जाते हैं, और उसके बाद आयुष बडोनी को भला बुरा कहते हुए साफ दिखाई देते हैं। भाई आपकी उम्र 31 साल है, वो 25 साल का बच्चा है, क्यों आप उससे लड़ रहे हो, क्यों आप उससे लज रहे हो? क्या इसलिए कि वो दिल्ली का कप्तान बन गया, उसे कप्तानी भी मिल गई दिल्ली की, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला आपको, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो 0 है, और जो सब गंदी हरकतें हैं ना उसके आप हीरो हैं। साफ देखा गया आयुष बडोनी ने कुछ नहीं किया, आयुष बडोनी ने शॉट खेला, नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ वो दौड़े, और उसके बाद नीतीश राणा उन्हीं को देख रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ पे आयुष बडोनी उस तरफ जा रहे थे तो उधर चले गए, और बडोनी ने जब देखा कि भाई ये उधर आ रहा है तो बडोनी इधर हो गए, ये उधर चले गए, और उसके बाद बडोनी से बदतमीजी करते हुए नजर आए, बडोनी को उल्टा सीधा कहते हुए नजर आए। और यार एक बात बताओ ना, आपने ODI भी खेला इंडिया के लिए, T20 भी खेला है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उल्टे सीधे इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हो, परफॉर्मेंस कहाँ है आपका, कौन सी टीम के लिए आपने परफॉर्मेंस किया है? और मैं आपको आज बता दूं कि KKR का दुर्भाग्य था आपके जैसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना। कप्तान छोड़िए, आप किसी IPL टीम के प्लेइंग 11 में खेलना डिजर्व नहीं करते हैं। हाल देख लिया ना आपने क्या हुआ आपका, दिल्ली ने पहले निकाल दिया, उसके बाद आप यूपी के लिए खेल रहे हैं, और यूपी के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 100 बनाते हैं तो बैट से वो धूल को हटाते हुए नजर आते हैं, यानी कि यश धूल को टारगेट करते हो। भाई ये सब करने से कुछ नहीं होगा, आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। पॉडकास्ट में जो बैठकर बातें करते हो ना कि पैसे आने से सब कुछ आ जाता है, और जो रिश्तेदार पहले नहीं मिलते थे अब मैं उनसे नहीं मिलता, भाई सब करने से कुछ नहीं होगा। विराट कोहली को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, धोनी को देख लो, सीखो उनसे कि कैसे इज्जत कमाई जाती है, कैसे शोहरत कमाई जाती है। अपनी उम्र के छोटे बच्चों से लड़कर, उनके सामने बदतमीजी कर क्या हासिल करना चाहते हो, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में? क्या उसका रास्ता रोक कर मैच जीत लिया आपने? उसके बाद मैं आपको बता दूं, आयुष बडोनी ने इनको आउट किया, और उसके बाद उनको बहुत तगड़ा सेंड ऑफ दिया। क्या बडोनी को आउट कर पाए? बडोनी ने आपको आउट कर दिया, आउट करके आपको उड़ाया, और उसके बाद वो मैच भी जीत कर ले गए उनकी टीम। आप क्या कर पाए? आप कुछ नहीं कर पाए। और अभी तक भी मैं आपको बता दूं कि आपने अपने क्रिकेट इतिहास में ना कुछ नहीं किया है। अब वो तो पता नहीं कहां से आपको IPL की टीम खरीद लेती हैं, कभी कोई कप्तान बना जाता है, बिग कहीं ना कहीं से जाते हो, वो क्या सेटिंग है मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि इनके अगर आप आंकड़े उठाकर देखोगे तो जो भी फॉर्मेट खेलते हैं, चाहे T20 खेलें, चाहे ODI खेलें, चाहे रणजी खेलें, हर जगह ये फ्लॉप होते हैं, कहीं ये हिट नहीं हो पाते हैं। हिट कहाँ होते हैं? इस तरह की हरकतें करके, बच्चों से लड़ाई झगड़ा करके। इससे पहले भी इनके बहुत एपिसोड हैं, कभी IPL में लड़ जाते हैं, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़ जाते हैं। अगर इतनी हिम्मत है, अगर इतनी गर्मी है, तो अगली बार एक काम करना, IPL में विराट कोहली से बदतमीजी करना, IPL में धोनी से बदतमीजी करना, IPL में हार्दिक पांड्या से बदतमीजी करना। वो नहीं करोगे, पता ना वो सीधा बैट भी मार सकते हैं मुंह पर। तो इसलिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करना ही है ना,
तो अपने खेल के स्तर को बढ़ाओ और उसके बाद टीम इंडिया में आओ।